पहली बात बताया मुझे आपको मजा आया आज क्राउड में। मजा मुझे क्या, आप सबको मजा आया? मैं तो मुझे तो बहुत मजा है। और पांच ओवर रहते हैं, कमाल मैच। क्या हाल है ब्रो? जिस तरह की मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दुबई के जो मैचेस की जो पीएसएल की फर्स्ट लेग थी वो खत्म हो गई है और अब हम आ चुके हैं शारजा, जहां मैं अब जाने वाला हूं आज। और मैं कभी जिंदगी में शारजा नहीं गया, लेकिन जिस तरह मैंने बताया मैं अभी जाने वाला हूं, तो चले लेट्स गो टू शारजा। Sharjah Cricket Stadium, one of the most iconic stadiums in the history of cricket. Sharjah is full on desi style. मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा ODIs Sharjah में होस्ट हुए हैं। 236 matches. सरफराज असल में ऐसा हेयर स्टाइल बना ले तो क्या ही बात है। और मैं बचपन से टीवी पे ये स्टेडियम देखता आ रहा हूँ यार। मेरा बड़ा ख्वाब था यार ये स्टेडियम देखना। And अब thanks to Cricket GIF, मेरा ये ख्वाब पूरा होने लगा है। तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए पहले तो हमने करना है शारजा स्टेडियम को एक्सप्लोर। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे। आप लोग याद है मैंने आपको दिखाया था दुबई स्टेडियम का मीडिया बॉक्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ शारजा स्टेडियम का मीडिया बॉक्स। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे। शारजा स्टेडियम के पीछे जो डिनर की एरिया है, अनलाइक लास्ट टाइम इन दुबई, दिस वॉज मोर लाइक अ कॉन्फ्रेंस रूम, दिस इज लाइक सदाबहार हॉल। चना चाट खाएगा? चना चाट भी है, खा लेते हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ पे है, मैं जरा छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। नवीद क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। असल में मेरी टीम ने कुछ नहीं किया, मैंने किया है। मैंने बंदे चुने थे और 50 सेंचुरी मैंने मारी है, अंपायर्स स्टेडियम मैंने बनाया है, सीमेंट मेरे घर से आती है। तो शारजा स्टेडियम जो है वो बाहर से बहुत ही नॉर्मल है, नथिंग टू एक्स्ट्रावेगेंट, बट इट्स सो आइकॉनिक कि दुबई में मुझे क्या ही फीलिंग आ रही थी जो मुझे यहाँ पे आ रही है। उफ, क्या बताऊँ। खुशियों की भगिया भी है, रास्ता सब तेरा तक भैया। इस तरह नहीं, मतलब थोड़ा गहराई में एक्सप्लोर, जहाँ पहले कोई ना गया हो, कोई भी नहीं गया हो, उस तरह एक्सप्लोर। तो शारजा स्टेडियम की हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पीसेस, पुरानी विकेट्स, पुरानी पिचेस को बनाने के तरीके की मशीन वगैरह, तो सब अंदर पड़ी हुई और हम अंदर जा रहे हैं। चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। क्या ये कवर, पिच कवर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओ हो 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 यार क्रेजी। ओ हो हो हो, ये क्या चीज है? ये स्नैपर मशीन है घास काटने वाली। मैं 82 से हूँ। 82 से आप शारजा पे यहाँ विकेट बना रहे हैं? कितने अरसे तक यहाँ मैचेस नहीं हुए थे? तकरीबन 10-11 साल नहीं हुए थे, खाली बड़ा होता था स्टेडियम 10-11 साल। अच्छा, जब जवेर मियां साहब ने छक्का मारा था आपकी ड्यूटी थी इस ग्राउंड में? जी थी इस ग्राउंड में। कुछ बताएं प्लीज इसके बारे में। बस उस टाइम पूरा स्टेडियम सन्नाटा छाया हुआ था, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस उसकी शॉट लगे फुल टॉस थी। आपकी क्या फीलिंग्स थी? मैं भी चुप करके बैठा हुआ था, सोच रहा था क्या होगा क्या होगा। नेट प्रैक्टिस होती है यहाँ पे यार, नेट प्रैक्टिस। हमारे प्लेयर्स यहाँ से, ये देखें, ये देख, यहाँ से भागते हुए जाते हैं सामने। आइकॉनिक आइकॉनिक। चलें भाई। जैसे ही मैंने स्टेडियम एक्सप्लोर करना खत्म करा, मैचेस शुरू हो गए। पहला मैच हुआ मुल्तान और क्वेटा का। तो क्वेटा के 137/2 हैं और जीतने वाली है मुल्तान आर्मी। हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मजा आ रहा है? थक गए हो गए यार अब तक? इसके पीछे रोज एक ही बंदा होता है, अलग बंदे होते हैं? एक ही बंदा होता है? नहीं यार। और दूसरा मैच पेशावर एंड कराची। मेरे राइट पे पेशावर वाले बैठे हैं और मेरे लेफ्ट पे कराची वाले बैठे हैं, और भाई हमेशा न्यूट्रल।
नेक्स्ट लेवल यार, मतलब नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है यहाँ मैचेस देखने में यार। एंड हो रहा है, आखिरी दो ओवर रह गए हैं, पेशावर कुछ 134/6 है। और सबसे नेक्स्ट लेवल बात यह है कि इन मैचेस के दौरान दो कमाल चीजें हुई। नंबर वन, आपके भाई को मिले आपके भाई के फैंस। आपका नाम? क्या नाम है आपका? देखे व्लॉग मेरे? अरे थैंक यू सो मच, आप मेरे अगले व्लॉग के स्टार हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। नंबर टू, क्राउड। मुझे एहसास हुआ कि शारजा का जो क्राउड है, मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। तो शोर नहीं कर रहे, ऐसे मजा थोड़ी आता है यार। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? पिशावर, कराची। अगर तस्वीर अच्छी आई तो कराची तस्वीर अच्छी। तस्वीर नहीं बना रहा। मतलब इतना कमाल जोश और जज्बा मुझे यहाँ पे देखने को मिला, मतलब दिल में डांसेस शुरू हो गए, डांसेस। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जो असल फिल्म है ना, जो असल मूवी जिसके आपने पैसे दिए, वो शुरू हुई फ्राइडे को। फ्राइडे का पहला मैच लाहौर वर्सेस मुल्तान। क्या होगा इस बॉल पे? दूसरा मैच पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद या पेशावर? इस बॉल पे क्या होगा? मतलब क्या बताऊं यार, क्या बताऊं मैं आपको, क्या सीन है यार यहाँ शारजा का, कुछ अलग ही बात है इस क्राउड की यार। क्यों है, क्यों और कैसे है यहाँ पे इतना नेक्स्ट लेवल सीन यार? मतलब मैंने एक्चुअली सोचा कि यहाँ पे जो क्राउड का ये इतना नेक्स्ट लेवल सीन है, जो इतना पागलों की तरह यहाँ पे क्राउड आ रहा है, और इतना पागलों की तरह जज्बाती और मतलब हाइपर एक्टिव एनर्जी वाला क्राउड है, ये क्यों है एक्चुअली सोचा मैंने। और बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो नेक्स्ट लेवल एनर्जेटिक हाइपर एक्टिव क्राउड है, वो इसलिए है क्योंकि उनके सामने हमेशा जो चीज़ होती है स्टेडियम में, वो नेक्स्ट लेवल एनर्जेटिक हाइपर एक्टिव है। जी हाँ, ये स्टेडियम ही कुछ ऐसा है कि क्रिकेट की दुनिया के सबसे ज्यादा आइकॉनिक मोमेंट्स इधर ही हुए हैं। लोगों के अंदर थोड़ा बिलीव बन गया कि यार अगर शारजा में मैच है ना, तो भाई कुछ ना कुछ तो अनोखा होगा इधर। याद नहीं मियां दाद का आखिरी बॉल पे छक्का? सर कुछ ना कुछ तो अनोखा होना ही है इधर, और अनोखा हुआ। मुल्तान का 200 रन्स का मैमथ स्कोर एबी और डेविड वीस ने धो धो कर चेस कर डाला। एबी डिविलियर्स भाई साहब पागल हो रहे हैं, एबी डिविलियर्स भाई साहब फुल पागल हो रहे हैं। आउट हो गया लेकिन नो बॉल, ओ बच गया। दुनिया की कौन सी फिल्म इस फिल्म को बीट कर सकती है मुझे बताएं। एक बॉल पे 3 रन। और फिर इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर में कायरन पोलार्ड और सैमी ने इतना मारा। दोपहर को एबी भाई थे, अभी पोलार्ड भाई हैं। पेशावर जल्दी ऑन फायर, कायरन पोलार्ड ऑन फायर। लास्ट बॉल ऑफ द 18th ओवर, 25 रन्स ऑफ 13 बॉल्स एंड सैमी ऑन स्ट्राइक एंड इट इज अ। लेकिन फिर सैमी ने हैट्रिक कर ली और इस्लामाबाद जीत गई। ये सीन है शारजा का, मतलब कुछ ना कुछ तो अनोखा होना ही है इधर। याद नहीं आखिरी बॉल पे छक्का और लास्ट बॉल आ रही है, 3 रन चाहिए।
सोचने वाली बात तो ये है कि अगर यहाँ ये हाल है तो अगर पाकिस्तान में मैच होंगे तो क्या हाल होगा। पाकिस्तान में क्या ही मजा आएगा मैच देखने का, मैं बता रहा हूँ क्या मजा आएगा। पाकिस्तान में मैच खेलते हैं लाहौर कराची, कितने बड़े स्टेडियम से डबल बड़े हैं। बिल्कुल कराची में कराची पिशावर का मैच है, पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसके लिए, आपका क्या ख्याल है? आई एम रियली एक्साइटेड टू गो टू कराची एंड प्ले अगेंस्ट कराची एंड आई वांट सम सपोर्ट ओवर देयर। आई विल बी देयर। थैंक यू। थैंक यू। और बिल्कुल कराची का होम ग्राउंड है और मजा आएगा इंशाल्लाह। I'll see you there. दो घंटे पहले फुल तकरीबन फुल हो जाते हैं, जैम पैक। तो आप देखें कि जब मैच स्टार्ट होता है तो वो कितना हमारे अपने क्राउड में फिर खेलने का मजा आता है। फहीम भाई थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, बेस्ट ऑफ लक भाई आपके साथ ही, टेंशन ना। थैंक यू। जो क्राउड का यहाँ पे हाल है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सारे मैचेस पाकिस्तान में हों तो इस लीग के लिए कितनी कमाल बात है। बाकी यार मतलब पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे ना कमाल होंगे, बट तब तक के लिए तखलिया।